बसवा कल्याण के लिए, हक के लिए लड़ने को भी तैयार हूँ, जान भी चाहिए तो जान भी देता हूँ मैं गांव के लिए। तो कानून किताब में, किताब अलमगी में, ऐसा बसवा कल्याण की 31 काउंसलर गई। वही 31 काउंसलरों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बाबा आपका CMC है, ये क्या करे। नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। स्काई सनशाइन स्कूल, स्टेप टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, एडमिशंस आर ओपन। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन, एडमिशंस आर ओपन। ये जो स्लम बोर्ड का जो एरिया में मकान देने का है गरीब लोगों के लिए, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो स्लम मतलब जो एरिया डेवलप नहीं हुआ, स्लम एरिया है, वो वार्ड डिक्लेयर्ड है, उस एरिया में बनाने के लिए कानून है। जहाँ जगह नहीं है इसलिए G+2 बनाने का काम कर रहे, म्यूनसिपालिटी का जगह है, ये बनाना है तो भी परमिशन लिए नहीं लिए पूछो, CMC कमिश्नर को पूछना पड़ता है कि ये सब लीगल है क्या इलीगल है। मेरे को तो आइडिया नहीं, मैं भी कल पूछूंगा, ये PSO बड़को पर नाड़ी केड़ा गिर दिला परमिशन आवाना इला जगह हैंड ओवर आगे इला ये जगह हैंड ओवर हुआ नहीं हुआ म्यूनसिपालिटी से, मेरे हिसाब से हुआ होगा। उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ वर्किंग ये हुआ नहीं, जहाँ भी काम चल रहा है इसके ऊपर इंक्वायरी होना। माननीय हमारे जमीर अहमद साहब स्टेट के मिनिस्टर हैं हाउसिंग के, उनको भी कंप्लेंट गए सो है, और हमारे यहाँ के अपोजिशन लीडर विजय सिंह जी है, उनको भी कंप्लेंट दिए बहुत लोग, मेरे को भी बहुत लोग कंप्लेंट दिए कि घर सिलेक्शन करने में कोई कमिटी नहीं बनी, डायरेक्ट MLA जी का लेटर पैड के ऊपर घर दिए बोल के उन्होंने बोलने के बाद मैंने एक RTI में लेटर लिखा, हुमनाबाद में कैसा दिए, भालकी में कैसा दिए, और बिदर में कैसा दिए, और बसवा कल्याण में कैसा दिए। तो मेरे पास आंसर है, हुमनाबाद में MLA जी ने मीटिंग करे, ऑलरेडी उसके अंदर CMC कमिश्नर हैं, उन्होंने जो आश्रय का कमेटी के अध्यक्ष रहते हैं, आश्रय कमेटी के मेंबर रहते हैं, सब लोग मिलके ये घर दिए सो है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो गए, यहाँ सिर्फ MLA साहब लेटर दिए, कोई कमेटी का मीटिंग नहीं हुए बोल के वो लोग मेरे को बताने के बाद मैं इस जगह के ऊपर पहुंचे सो हूँ। वो मैं RTI में देखने के बाद सिर्फ लेटर लिख के, देखो ये जो लोगों का फोन नंबर के साथ है, ये बेनिफिशियरी का लिस्ट, उनका लेटर पैड पे दिए, उन्होंने दिए RTI में, मेरे को नहीं मालूम, ये देखो उनका लेटर पैड है, कोई मीटिंग नहीं है, ना प्रोसीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उनका लेटर पैड है। ये लिए वाले कौन, स्लम वाले, ये नहीं लगे नमगा MLA और लिस्ट कोटागा, हाँ लिस्टिंग प्रकार MLA किनको दियो बोले, उनको हमने दिए, बस कोई कमेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किनको दियो बोले उनको दिए हम। देखो तो फिर बाबा साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, देश का कानून है, तो कानून किताब में, किताब अलमगी में, ऐसा बसवा कल्याण की 31 काउंसलर गई। वही 31 काउंसलरों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बाबा आपका CMC है, ये क्या करे, आप कितने को घर दिए, सिर्फ MLA जी लेटर पैड के ऊपर देते हैं बोलने के बाद होता है बोले तो मैं भी बोलता हूँ, हमारे तिपरात को 1,000 दो, तिपरात में भी बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ भी हमारे को 1,000 दो, ऐसा कैसा होता है। तो ये जो कमेटी बनाए, ये जो घर सिलेक्शन हो गए, इसको ओरिजिनल हैं हम MLA जी जो दिए, ये गलत है भी नहीं बोल गए, उन्होंने क्या बोल गए, कमेटी बिना डायरेक्ट दिए, कमेटी से पास होना पड़ता। तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सही क्या झूठ क्या, ऑलरेडी इंक्वायरी चल रहा है, अभी फिर इंक्वायरी को हमने हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जी को और माननीय ईश्वर खंडगे साहब को जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गए, गरीब के लिए उन्होंने भी कल्याण के लिए काम कर गए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया साहब हैं, ये जो भी गरीब को मिले नहीं मिले, और गांव के लोगों को मिले नहीं मिले, और स्लम के लोगों को मिले नहीं मिले, और ये कमेटी के अंदर सिलेक्शन हो गए नहीं हो गए, इसकी इंक्वायरी कराना बोल के हम लोग आज यहाँ आए सो हैं। हम लोग 2 महीना थे नहीं, 2 महीना हम भी सरकार जो बनी है, हमारे साहब कुमार स्वामी साहब सेंट्रल में मिनिस्टर बने, इसलिए हम उधर थे, तो आज ये विजिट करने को आए। 369 एक है, एक 183 है, इतने का इसके अंदर डिटेल दिए।
बाकी का अभी डिटेल क्या कंफ्यूज करे मेरे को नहीं मालूम सर। जो लिस्ट है लिस्ट के अंदर किसी का एड्रेस वगैरह कुछ एड्रेस के सिर्फ फोन नंबर है। देखो ये फोन करके हम लोग मालूम कर रहे नहीं, ये जो फोन नंबर के अंदर टू कॉलर में डालते ही नंबर अलग आ गए। टू कॉलर में हम लोग हम चेक करें पूरे। तो मेरा बोलने का क्या है, बसवा कल्याण की हर एक समाज की जनता को हाथ जोड़ के आपके काउंसलर को पकड़ो, काउंसलर को वोट दिए, काउंसलर को पूछो। ये काउंसलर लोगों का काम है, मल्लिकार्जुन खूबा का काम नहीं है। मैं तो बिल्कुल बसवा कल्याण के लिए हक के लिए लड़ने को भी तैयार हूँ, जान भी चाहिए तो जान भी देता हूँ मैं गाँव के लिए। मेरे को क्या अधिकार आना जाना सवाल नहीं है। ये जो मिलना था सिलेक्शन कमेटी में गड़बड़ हुई है बोल के कंप्लेंट आए हुए, मैं आज विजिट करने को आया। यहाँ एक बोर्ड नहीं, कितने फंड दिए देखो, हाउसिंग मिनिस्टर का कहीं तो बोर्ड देखे, हाउसिंग मिनिस्टर का कहीं बोर्ड नहीं, कितने फंड में काम चल गया वो भी नहीं, कौन कॉन्ट्रैक्टर कर गए वो भी नहीं, कौन से आदमी काम कर गए वो भी नहीं। जब भाई इलेक्शन लड़े था जब 7,000-9,000 घर बसवा कल्याण में हल्ली हल्ली होगी हत सभी मनी बोल को भाषण दिया था ये MLA, वो दिए नहीं दिए अभी मैं खेड़े गया नहीं। 10,000 दिए बोले तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो देने लगाएंगे, नहीं है तो मैं उनको छोड़ता नहीं 10,000 लेने तक। भाषण दिए सो वीडियो मेरे पास है, हर खेड़े में भाषण दिए, मैं वो करता हूँ ये डेवलप करता हूँ, जाके झगड़ा नहीं आगे सामने बैठ को पूछेंगे।